इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से दो बाइक सवार बदमाश रिलायंस कोरियर कंपनी के पार्सल को लेकर फरार हो गए, जिसकी कंपनी प्रबंधन ने छोटी ग्वालटोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बाइक सवार बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बॉक्स में घड़ी, चश्मे के साथ मोबाइल थे। सरवटे बस स्टैंड थाना छोटी ग्वालटोली अंतर्गत बीते दिन की बात है कि एक कुरियर कंपनी जिसका नाम रिलायंस है, वो वहाँ से एक पार्सल उनके पास आया और वो वहाँ पे जब उनके मजदूर वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ पे दो अज्ञात बाइक सवार ने उसमें से एक पार्सल की बोरी को अपने पास लेके वहाँ से भाग गए, जिसका संज्ञान लेते हुए जब उसके मालिक ने आके थाना छोटी ग्वालटोली में आके अपराध पंजीबद्ध कराया, जब उसको देखा गया तो फिर सीसीटीवी में उनका फुटेजेस आए हैं। अब अग्रिम विवेचना की जा रही है, उनकी पतासाजी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पार्सल में इलेक्ट्रॉनिक सामान था? पार्सल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस थी, चश्मे थे और कुछ ओप्पो कंपनी के मोबाइल्स भी थे, तो इस पर अब सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी उनके मालिक द्वारा, क्योंकि अलग अलग जगह से लोगों ने उसको पार्सल में लगवाया था और उनका एक कुरियर था, तो सभी लोगों से उनके बिल प्राप्त किए जा रहे हैं।